वर्णमाला दिया गया है हर एक लेसन में, इसलिए अपने को कंपलसरी क्या वर्णमाला आना चाहिए, हर एक बुक में वर्णमाला आना चाहिए, इसलिए वर्णमाला के बारे में क्या करना प्रैक्टिस करना चाहिए कंपलसरी इसको वर्णमाला। देखो वर्णमाला अल्फाबेट्स कहते हैं और इसे वॉवेल्स कहते हैं, स्वर कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। इसमें आ आ ई ई उ उ रु ए ऐ ओ औ अम अहा, ये क्या है स्वर है। और इसी तरह व्यंजन कॉन्सोनेंट्स कहते हैं इसे, इसमें क ख ग घ ए, ये ग है ग है, इसको ड्रेस देकर बोलना चाहिए, जरा इसे बोलना चाहिए क ख ग घ ना च छ ज झ यानी ड ठ ड ढ अना डाटा, इस तरह आप लिख सकते हैं, इसके नीचे स्टार लगाने पर डाटा, इस तरह आप लिख सकते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं ना, डाटा अना ड ठ ड ढ ना ब प ब भ म य र ल व श श स ह क्ष ना। ये पूरे भी हिंदी के क्या है वर्णमाला है, वर्णमाला सब लोगों को भी सबको भी आना चाहिए, इसलिए और एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए कंपलसरी ये देखो पेज नंबर अपने को पेज नंबर सिक्स में और पेज नंबर हर एक लेसन के नीचे बैक साइड ये ग्रामर में दिया गया है, इसलिए पेज नंबर 14 में और पेज नंबर 21 में भी ये वर्णमाला के बारे में दिया, हर एक लेसन के ना ग्रामर टाइप में दिया गया, इसलिए सब लोग भी क्या करना चाहिए वर्णमाला सबको भी आना चाहिए, इसलिए इसके बारे में प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके स्टेप नहीं जान हां, ये स्वर है, ये क्या है व्यंजन, हां तेलुगु में स्वर को क्या कहते हैं अच्छुलु कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं स्वर कहते हैं, इसी तरह व्यंजन व्यंजन को तेलुगु में क्या कहते हैं हल्लुलु कहते हैं। ओके नेक्स्ट वन देखो मात्राएं, मात्राएं मात्राएं में देखो ए आ, ए आ की मात्रा है आ, आ की मात्रा ई, ई की मात्रा ई, ई की मात्रा उ, उ की मात्रा उ, उ की मात्रा रु, रु की मात्रा ए, ए की मात्रा आई, आई की मात्रा ओ, ओ की मात्रा औ, औ की मात्रा आ, हम आ, हम आ, ये बोले भी क्या है ये मात्रा है। स्पर्श बोले भी आने पर अपन क्या कर सकते हैं ना शब्द यानी वर्ड्स लिख सकते हैं, इसलिए वर्णमाला पूरा आना चाहिए, मात्राएं आनी चाहिए, वर्णमाला मात्राएं आने पर ही अपन क्या कर सकते हैं शब्द को लिख सकते हैं, वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह देखो वाराणसी जो इस मात्राएं के बाद मिलाकर लिखने पर आने वाला जो शब्द होता है कि उसे क्या कहते हैं वाराणसी कहते हैं। वाराणसी देखो का, इसमें आ की मात्रा आई का, इसमें आ की मात्रा आई और ये क्या है ए ई की और इसमें की, ई की मात्रा ई से आती है और उ, उ की मात्रा और ये क्या है उ, उ की मात्रा आने पर उ होता है और ये रु की मात्रा रु कहते हैं अपन से रु, ए की मात्रा आने पर इसे के कहते हैं और ये आई की मात्रा है कई होता है, ये ओ की मात्रा है ये को होता है। इसी तरह कौ, कम, कहा, इसे आने वाले मात्राएं कंपलसरी सबको भी आना चाहिए, जब आने पर ही अपन क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं बारह घड़ी, इसलिए कंपलसरी सबको क्या आना चाहिए वर्णमाला सब लोगों को, हाँ खाली नहीं क्या प्रैक्टिस करने पर ही ये आना है, इसलिए हाँ सिक्स्थ क्लास और तो करंट रूम सिक्स्थ क्लास में अपन ये हाँ फाउंडेशन को ले सर, इसमें ही ये पूरे सीखना चाहिए, इसलिए ये क्या है वर्णमाला है। स्वर कहाँ तक होते हैं आठ व हा तक स्वर होते हैं, व्यंजन कहाँ तक होते हैं काटू इतरा तक व्यंजन होते हैं, इसमें और क्या होते हैं संयुक्ताक्षर होते हैं ना, संयुक्ताक्षर भी अपने को आना चाहिए, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं ना, युक्ताक्षर किसे कहते हैं, ये पूरे भी अपने को आना चाहिए। मात्राएं, मात्राएं देखने पर देखो
आ की मात्रा ई की मात्रा ई की मात्रा ऊ की मात्रा ऊ की मात्रा ए ऊ की मात्रा ये क्या है ए की मात्रा ऐ की मात्रा ओ की मात्रा औ की मात्रा और क्या है अम की मात्रा आ की मात्रा। इसके अपन क्या कर सकते हैं कि आने पर ही अपन शब्द को बना सकते हैं, वर्ड को बना सकते हैं। इस तरह ये वर्णमाला और मात्राएं और बाढ़ के सूत्रों को भी माना जाए, इसलिए ही हरेक क्वेश्चन के व्याख्यान इसको दिया गया है। इसलिए अब तक भी कोई नहीं करे सवाल है, आपको भी क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोले, प्रैक्टिस करने पर ही अपन क्या कर सकते हैं, अरे को लिख सकते हैं। इसलिए रफ नोटबुक लिख के लेके इसको नियर नियर डेली दो तीन बार लिखने पर अपने मिस्टेक्स क्या होते जाते हैं, इसलिए डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो आगे के वर्ग में फर्स्ट वन पुस्तक समीक्षा लिखना चाहिए। पुस्तक समीक्षा में फर्स्ट पेज में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, कहानी का नाम फर्स्ट पेज में लिखना चाहिए। पुस्तक को तो लोअर क्लासेस में रहने वाले कुछ तो इतनी बुक्स होते हैं कि उसमें मिनी स्टोरी छोटी स्टोरी लेके क्या करना चाहिए लिखना चाहिए ना। लोअर क्लासेस में रहते ना फोर्थ क्लास वाले फिफ्थ क्लास में रहने वाले स्टोरीज लेके लिखना चाहिए। लिख के पुस्तक का नाम वो हिंदी बुक के ऊपर लिखे हुआ रहता, वो हिंदी बुक का नाम लिखना, लेकर नहीं रात को लिखना नहीं तो छोड़ देना। जैसे कहानी स्टोरी नेम ना, स्टोरी नेम भी लिखा हुआ रहता थर्ड फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास टेक्स्ट बुकों में रहते, वो लिख के ना फर्स्ट पेज में क्या लिखना ये लिखना, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, कहानी का नाम। लिख के यहाँ पर क्या लिखना, पुस्तक का नाम क्या है ना, ये क्या है, लेखक का नाम क्या है और स्टोरी नेम क्या है ये फर्स्ट पेज। नेक्स्ट सेकंड पेज में क्या लिखना, कहानी स्टोरी कौन सी तो होती है कि एनी क्लास छोटी क्लास में हो एयर क्लास में हो क्लास भी लेके स्टोरी लिखना चाहिए। स्टोरी क्या है, छोटे क्लासों में भी थर्ड फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लासों में भी आने वाले स्टोरी को लेकर या लिखे तो हो जाता है कहानी। हाँ वन टू थ्री पेजेस लिख सकते हैं, टू पेजेस का मिनिमम टू पेजेस है क्या स्टोरी। ये पुस्तक समीक्षा, पुस्तक समीक्षा है फिफ्थ क्लास स्टार्टिंग है, इसलिए बोल रहा हूँ पुस्तक समीक्षा प्रोजेक्ट वर्क में पहले स्टार्टिंग में लिखने का क्या होता है, पुस्तक समीक्षा स्क्रिप्ट भी बोलते हैं इसे हां। स्क्रिप्ट में क्या है, फर्स्ट पुस्तक का नाम, पुस्तक समीक्षा के रूप में हां, तो पुस्तक नाम वो तो पुस्तक का पेज वो तो पुस्तक का वो तो बुक नेम, बुक नेम, लेखक ऑथर एंड पोएट नेम हां। नेक्स्ट स्टोरी नेम कहानी का नेम। नेक्स्ट कहानी क्या है, वो कहानी लिखना थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास में मिनी मिनी छोटे स्टोरीज होते हैं ना, वो स्टोरी लिख के ये टू पेजेस में लिखे तो हो जाता है। ओके ये पुस्तक समीक्षा। नेक्स्ट वन देखो परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क को ही हिंदी में परियोजना कार्य कहते हैं, तेलुगु में प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं, इंग्लिश में प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं, हिंदी में परियोजना कार्य कहते हैं। परियोजना कार्य में देखो पेज वन फर्स्ट में ये क्या करना चाहिए, परियोजना कार्य वन बोल के लिखना चाहिए एक पेज में, एक पेज में परियोजना कार्य वन हां। परियोजना कार्य तेलुगु में प्रोजेक्ट बने वाले पने ओके बोल के लिखते हैं, इसमें प्रोजेक्ट वर्क वन बोल के लिखते हैं, हिंदी में परियोजना कार्य वन बोल के लिखना चाहिए फर्स्ट पेज। पुस्तक समीक्षा के बाद में हां फर्स्ट पुस्तक समीक्षा नेक्स्ट परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क, तो ये क्या लिखना फर्स्ट पेज में परियोजना कार्य वन ये पेज होते हैं। नेक्स्ट स्वपरिचय, स्वपरिचय का अर्थ होता है कि स्वपरिचय का अर्थ होता है कि पुस्तक पुस्तक समीक्षा हुए बाद इसमें क्या होता है, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, कहानी का नाम लिखना चाहिए। नेक्स्ट कहानी मिनी स्टोरी कोशिश भी होते थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास हाँ क्लास में रहने वाले हिंदी टेक्स्ट बुक में की एक स्टोरी लेके लिखना चाहिए। नेक्स्ट परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क उसका तो एक उसमें देखो पेज नंबर वन में प्रोजेक्ट वर्क में परियोजना कार्य वर्क के अच्छे हैंडराइटिंग के साथ अच्छा इस तरह लिखना चाहिए हाँ। ये पेज को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से इस तरह मार्जिन देना चाहिए, इस तरह अच्छा लाइंस मारना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पेज में स्टूडेंट प्रोफाइल बोले तो स्वयं स्वपरिचय अपने बारे में लिखना चाहिए, छात्र का नाम वो तो स्टूडेंट नेम, क्रमांक वो तो रोल नंबर,
और एक क्या कक्षा फर्स्ट क्लास में एक ही वो लिखना चाहिए विषय, विषय में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखना चाहिए हिंदी लिखना चाहिए, छात्र का नाम तुम्हारा नाम लिखना चाहिए, क्रमांक तुम्हारा रोल नंबर लिखना चाहिए, कक्षा सिक्स्थ क्लास विषय हिंदी, और यहाँ क्या लिखना चाहिए पाठशाला का नाम। पक्षी बोल तो वो सब तो मन पसंद उसे लिख सकते हैं, मोर के बारे में लिख सकते हैं, पीकॉक के बारे में और क्रो के बारे में लिख सकते हैं, नाइटिंगेल कुकू के कुकूबर्ड के बारे में लिख सकते हैं, तोता प्यारों के बारे में लिख सकते हैं, इस तरह किसी एक बर्ड के बारे में लिख के उसके बारे में लिखना चाहिए और उसका पिक्चर फोटो लगाना चाहिए, उसका फोटो लगाना चाहिए आपको तो पैरेट के बारे में लिखे तो वो पैरेट का फोटो यहाँ पर पेस्ट करना चाहिए। ओके ये लिखे बाद उसके बारे में क्या करना चाहिए पैरेट का फोटो लगाना चाहिए, पैरेट लिखो और कुकुबर्ड कोसा भी लिखो तुम क्या तो भी मोर मोर में बेकार लिखो कोसा तुम लिखे तो उसके बारे में यहाँ पर लिख के अपन क्या करना चाहिए उसका पिक्चर पेस्ट करना चाहिए। ओके ये पुस्तक समीक्षा है ये परियोजना कार्य। और एक बार देखो परियोजना कार्य में पुस्तक का नाम लेखक का नाम कहानी का नाम और नेक्स्ट पेज में क्या लिखना है कहानी लिखना है छोटी स्टोरी। क्लासेस के हिंदी टेक्स्ट बुक लेके उसमें मिनी स्टोरी सेट है वो स्टोरी से स्टोरी लेके लिखना चाहिए। ये क्या पुस्तक समीक्षा हो गया। नेक्स्ट परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क पर फर्स्ट पेज में ये क्या होता है शीर्षक पेज होते हैं टाइटल इस तरह लिखना चाहिए अच्छी हैंडराइटिंग के साथ अच्छा कैसा कलर बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोफाइल में तुम्हारा सब परिचय क्या लिखना छात्र का नाम तुम्हारा नाम लिखना क्रमांक तुम्हारा रोल नंबर लिखना कक्षा और क्लास और विषय विषय में सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है ये हिंदी। नेक्स्ट क्या है पाठशाला का नाम सेंट थॉमस हाई स्कूल कोचराबल में लिखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट क्या करना चाहिए पक्षी के बारे में लिख के नेक्स्ट पेज में पक्षी का फोटो पेस्ट करना चाहिए। ओके ये प्रोजेक्ट वर्क है और ओके थैंक यू धन्यवाद।